सीखेंगे हम एक्सेल में ऑटो फिल्टर के बारे में। ऑटो फिल्टर किस तरीके से काम कर रहा है देख लीजिएगा। आपको जो भी फिल्टर करना है उसको कर देना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। देखिएगा ऑटोमेटिक बता देगा कि जो आपका HFDD है वो कहाँ पे सेल किया गया है, सेलिंग हो गया है कि डिलीवरी का फाइनल हो गया नहीं हो गया है, किस स्टेट में किया गया है और कस्टमर का क्या नाम है। इस तरीके से मान लीजिए हमें मॉनिटर देखना है तो मॉनिटर को सबसे सेलेक्ट करेंगे और फिर हम शॉर्टकट प्रेस कर देंगे तो बता देगा आपका कि मॉनिटर किस किस स्टेट में भेजा गया है, कौन से कस्टमर है, कितने की सेलिंग हुई है और डिलीवरी हो गई या पेंडिंग में बचा हुआ है। तो हम किस तरीके से इसे सेट करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जो कि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो हमें करना ये है कि पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें ऑटो फिल्टर सेट करना है। ऑटो फिल्टर आपको यहाँ सेट करना है क्विक एक्सेस टूल बार में। ऑटो फिल्टर ऑप्शन कहाँ मिलेगा आइए देखते हैं। आपको जाना है क्विक एक्सेस टूल बार में और यहाँ मिल जाएगा आपको मोर कमांड। मोर कमांड में जाने के बाद आपको मिलेगा चूज कमांड फॉर्म में और आ जाएगा यहाँ पे ऑल कमांड पर कर देना है क्लिक। ऑल कमांड पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है ऑटो फिल्टर। तो अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा नीचे आएंगे और नीचे आएंगे देख लीजिएगा यहाँ पे ऑटो फिल्टर के नाम से एक बटन दिखा रहा है। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑटो बटन ऑटो फिल्टर दिया है। ऑटो फिल्टर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑटो फिल्टर हमारा कितने नंबर पे है। तो सम फर्स्ट पे है, अंडो सेकंड पे है, रेडो थर्ड पर है और ऑटो फिल्टर हमारा फोर्थ पे है। तो ये ध्यान देना आपको कि आपका ऑटो फिल्टर कितने नंबर पर है, क्योंकि जितने नंबर पे रहेगा उसी के साथ आपको एल्ट बटन प्रेस करके उस नंबर को प्रेस कर देने से। मान लीजिए ऑटो फिल्टर इस समय हमारा फोर नंबर पे है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+4। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका ऑटो फिल्टर ऐड होगा। कितने नंबर पे है, 1 2 3 4। तुम्हारा ऑटो फिल्टर फोर नंबर पे है तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+4। ठीक है, कितना प्रेस करना है, Alt+4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमारा काम करे। तो आ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें किसको फिल्टर करना है, जैसे मान लीजिए मुझे चेक करना है कि आज तक हमारे जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, जो सेलिंग हुआ है वो कस्टमर तक डिलीवरी हुआ या नहीं हुआ है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारी एक सीरीज है जिसमें दिया गया है पेंडिंग और डन। ठीक है, तो पहले हम पेंडिंग देख लेते हैं कि कितनी ऐसी डिलीवरी है जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो हम पेंडिंग पे किसी भी एक पेंडिंग को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+4 तो बता देगा कि आपके लिस्ट में हरियाणा, दिल्ली, पुणे, हरियाणा, धनगटा और दिल्ली में इस तरीके से किसी किसी स्टेट में अभी डिलीवरी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि ऐसी कितने जगह है जहाँ पे डिलीवरी फाइनल हो चुका है, मतलब डन कर दिया गया है। तो उसके लिए फिर प्रेस करेंगे Alt+4। तो देखिएगा जहाँ जहाँ की डिलीवरी डन हो चुकी है वो यहाँ पे इस तरीके से डन दिखा दिया। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि किस किस कंट्री में हमारा किस किस स्टेट में हमारा कौन कौन सा सामान गया हुआ। मान लीजिए मुझे चेक करना है मॉनिटर, कहाँ कहाँ मॉनिटर गया हुआ है। तो आपको मॉनिटर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रेस करना है Alt+4। आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+4। तो देखिए बता रहे मॉनिटर आपका दिल्ली में गया है, किसके पास, अनिल कुमार के पास, पुणे में दीपक के पास गया हुआ है और दिल्ली में फिर सूरज के पास गया हुआ है। यहाँ देखिएगा अनिल दिल्ली मॉनिटर ₹2500 जो कि अभी पेंटिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑटो फिल्टर का यूज कर सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।